हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। अस्सलाम वालेकुम, शिबू किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल सी रेसिपी जिसे हम सूजी की खीर कहते हैं। तो इस डिश को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल्स लगेंगे वह हम आपको लाइन वाइज बताएंगे, तो हमारी वीडियो पे एंड तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 चम्मच अमूल घी ऐड करेंगे। अब हमने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं क्रश किए हुए, उसको हम ऐड करेंगे इसमें और रोस्ट करके लेंगे घी में। हमें इन्हें लो फ्लेम पर हल्का हल्का रोस्ट करना है, ज्यादा भी रोस्टिंग करना है। ड्राई फ्रूट्स हल्के हल्के रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में 3 चम्मच सूजी ऐड करेंगे और इसे भी रोस्ट कर लेंगे इसका कच्चापन निकलने तक। सूजी जो है रोस्ट हो चुकी है और माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे भी हल्का ही रोस्ट करना है, ज्यादा भी रोस्ट नहीं करना है। अब हम इसी कढ़ाई में 1/2 लीटर दूध ऐड करेंगे और इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे 2 चम्मच। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे दूध के साथ ताकि इसमें गुठलियां ना रहे। जब तक दूध ठंडा है तब तक ही मिल्क पाउडर ऐड कर लेंगे और चम्मच कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। दूध को जो है उबाल आ चुका है, अब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे जो हमने रोस्ट कर ली है। तो गाइस, सूजी जो है पक चुकी है, अब हम इसमें केसर के धागे ऐड करेंगे थोड़े से। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, केसर जो है हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे रोस्ट किए हुए, थोड़े से हम रखेंगे साइड में, हमें डेकोरेशन के लिए रखना है इसे। 1 बड़ा चम्मच हम शक्कर ऐड करेंगे, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। सूजी की खीर जो है सबको पसंद होती है, सबकी फेवरेट होती है और ये हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। तो गाइस, सूजी खीर बनकर रेडी हो चुकी है, अब हम फ्लेम को जो है ऑफ करेंगे। तो लीजिए गाइस, सूजी की खीर बनकर रेडी हो चुकी है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।